Hello everyone, my name is Nitesh Chaudhary and I graduated from IIT Bombay in 2009. I have recently joined Sandeepni Gurukul as Foundation and Academic Director. Her parent ka sapna hota hai ki unka jo bachcha hai wo IIT JEE ka exam clear kare, NEET Medical AIMS ka exam clear kare. या वो एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने और बहुत ही अच्छा वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करे. लेकिन उसकी जर्नी क्लास 11 से स्टार्ट नहीं होती है, उसका जो प्रिपरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है. तो उसके लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेके आए हैं. अलॉन्ग विद द CBSE करिकुलम हम फाउंडेशन चाहते हैं स्टूडेंट्स का इतना स्ट्रांग हो कि वो क्लास 11th में जब आए तो उसको ऐसा फील नहीं हो कि एक नई दुनिया में वो पहुंच गया है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, भले ही वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो. सो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स. अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे किसी भी एक बिल्डिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, वैसे ही जो ये जर्नी है प्रिपरेशन एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. सो आई वेलकम ऑल द पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी. लेट अस बिल्ड आवर चिल्ड्रन फ्यूचर टुगेदर. एक्सेलेंस. तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड मेडिकल बी एंड एंगल्स, इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बिकॉज़ बोथ द एंगल्स आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू एक्स. तो अब मैंने तुम्हें बताया कि जब भी अपने ट्रायंगल में कभी भी होगा, इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी एंगल, यू ऑलवेज हैव टू यूज द प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. बिना उसके हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि अगर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो कोई क्वेश्चन ऐसा है कि एंगल की वैल्यू निकाल इन ए ट्रायंगल. अब हम यहां पे लिखेंगे 90 प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. ओके, उससे हम यहां पे एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये जो 90 डिग्री को राइट में ले जाएंगे तो बन जाएगा 180 माइनस 9, लेफ्ट में हो जाएगा 2x. 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लीकेशन में तो चला जाएगा यहाँ पे डिवीजन में. x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45. ये तो है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन. तो ये एक ऐसा आइसोसेलस ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल में एक 90 होता है, बाकी दोनों 45 होते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन. तो अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. तो ये वाली साइड इसके बराबर है. तो यहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं, this side is equal to this side. Okay. Next हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो जैसे ही मैं मार्क करता हूँ, so that I don't have to read the question again. तो मैंने ये लाइन मार्क कर ली, तो इसको मेरे को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, वो इन्फॉर्मेशन हमारी मार्क हो गई. अब आगे लिखा हुआ है साइड BA is produced to D. तो BA को आपने एक्सटेंड किया D तक ले गए. such that AD is equal to AB. तो यहाँ पे ये जो AD है, अब ध्यान रखना AD और AB equal है. तो यहाँ पे अगर मैंने इसको सिंगल लाइन से मार्क किया है तो इसको मैं सिंगल लाइन से मार्क करूंगा बिकॉज दे आर इक्वल. दीस लेंथ्स आर इक्वल. फिर हमें शो करना है BCD इज ए 90 डिग्री एंगल. तो अभी मैंने तुम्हें बताया कोई भी एंगल BCD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है. BCD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल BCD में आ रहा है, राइट? तो ये अपने को शो करता है 90 डिग्री. सो अभी मैंने तुम्हें बताया कभी भी किसी ट्रायंगल में किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है, यू विल ऑलवेज हैव टू यूज द प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो जो भी आपको एंगल निकालना है वो देखो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है. एंगल BCD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल BCD. तो triangle BCD में you will have to use the property that the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. उसके आंसर नहीं आए. ठीक है, this is how you start the question. ये हमारे दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझे इसको यूज करना है. तो मुझे किस किन एंगल्स को यूज करना है? एक तो ये वाला एंगल हो गया, एक ये एंगल B हो गया और एक एंगल D हो गया. We have to add all these three angles and they must be equal to 180 डिग्री. बिना उसके आंसर नहीं आएगा. यहाँ तक क्लियर है? तो कभी भी ट्रायंगल में एंगल निकालना है, यू विल ऑलवेज हैव टू यूज दैट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट स्टेप, अभी हमने पढ़ा आइसोसेलस ट्रायंगल.
कभी भी कोई भी ट्रायंगल आपको दिखता है जिसके दो साइड इक्वल है, यू ऑलवेज हैव टू मार्क द एंगल्स अपोजिट टू दो साइड्स सेम एंगल। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन में दिया है। अगर आप एबीसी ट्रायंगल देखोगे, एबीसी ट्रायंगल में ये साइड्स इक्वल है, सो द एंगल्स अपोजिट सी साइड्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला। ध्यान रखना ये छोटा वाला है, this is the angle opposite to this side because we are talking about the small triangle ABC. पूरा नहीं ले रहे, इसके सामने ये छोटा एंगल इतना ही है क्योंकि AB से C को जॉइन कर रहे हैं, तो इतने एंगल बनता है। फिर इसके सामने ये छोटा एंगल कितना है? B. ये वाला, right? तो जैसे मैंने तुम्हें बोला, जैसे ही दो एंगल इक्वल दिखते हैं और अगर हमें क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू निकालनी ही है, तो ऑलवेज अज्यूम दैट वैल्यू टू बी एक्स और वाई और जेड, ताकि हम वेरिएबल्स के टर्म्स में इजीली समझ सके। तो मैं इसको x लिखूंगा, इसको भी, ये मैं कर दूंगा यहां पे इस क्वेश्चन में ट्रायंगल में मान। अब हमें यहां पे जो दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है दैट इज ए सी डी, ये दिख रहा है। अब ये भी तुम्हें आइसोसेलस दिख रहा है बिकॉज़ यहां पे ये वाली साइड इसके बराबर है। जब भी हमें ट्राइंगल में साइड्स इक्वल दी होती है, हमेशा नोटिस करो कि किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को नहीं बनते। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स बनते हैं, यू कैन ऑलवेज मार्क दी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अगर मुझे ये साइड दिखती है, तो इस साइड पे ध्यान रखना, अभी हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? ए सी डी। तो हमारा जो एंगल आएगा इसके अपोजिट वो ये वाला एंगल है, ये छोटा वाला, एंड दिस इज नॉट हाफ, ध्यान रखना ये हाफ नहीं है। हाफ का मतलब होता है इक्वल डिवीजन, ये सिर्फ डिवीजन है, ये कितना भी हो सकता है। अगर हमें प्रूव करना है 90 है, सो इट कुड बी 30 60 45 45 60 30, इट्स नॉट हाफ, यू कैन नेवर अज्यूम कि ये हाफ है। ठीक है, हम सिर्फ इसको कट कर, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल आएगा और यहां पे इसके अपोजिट ये वाला एंगल आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इन एंगल्स को मैं यहां पे लिख लेता हूं y और y। ध्यान रखना हमें नहीं पता है कि x equal to y, हमें तो सिर्फ ये पता है कि ये y है और ये x है, हमें ये पता है कि equal है। तो अगर जो भी equal है, equal की value हम कोई भी variable assume कर सकते हैं। तो अब हमें जो prove करना है, basically क्या prove करना है? हमें अगर prove करना है b c d, कितना prove करना है? 90 degree। तो basically हमें prove क्या करना है? हमें prove करना है angle x, और उसमें क्या add करना है? BCD एंगल कितना है? X और Y का सम, यही है बेसिकली जो हमें प्रूव करना है, दैट इज X प्लस Y। हमें ये प्रूव करना है कि ये सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। और मैंने तुम्हें बोला जब इस ट्रायंगल में तुम यूज नहीं करोगे सम ऑफ कॉस द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल वाली डिग्री, बिना उसके आंसर नहीं आए। तो हमने यहां पे क्या किया, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसे डायग्राम में एंगल्स की इंफॉर्मेशन मार्क कर। अब हमारा सिर्फ लास्ट स्टेप बचा, लास्ट स्टेप इज वी हैव टू यूज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल बीसीडी इज 180। दिस इज द लास्ट स्टेप व्हिच वी विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो लास्ट स्टेप में आएंगे, तो इसमें लगाएंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें सिर्फ एंगल्स देखते हैं, तो बीसीडी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल है? एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल बी कितना है? एक्स। एंगल सी कितना है? एक्स प्लस वाई। ये यहाँ लिखेंगे एक्स, ये हो गया हमारा एंगल बी। तो उसके बाद में लिखोगे एक्स प्लस वाई, और तीसरा एंगल कितना है? और इज इक्वल टू 180। ठीक है, सबको समझ में आया। अब इसके बाद में हमें क्या शो करना है? x plus y is equal to 90 degree। तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा x plus x is 2x, y plus y is 2y। हाँ, तो फिर उसमें से फिर हम 2 common लेंगे। तो यहाँ पे 2x plus 2y is equal to 180 degree। 2 common। फिर यहाँ से आ जाएगा 2 common। Because we have to generate x plus y। तो यहाँ से हमारे x plus y की वैल्यू आ जाएगी। x plus y कितना आ जाएगा? 180 upon 2, that is 90। जो एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, दे आर बेसिकली वेरी इजी क्वेश्चन। उसमें सिर्फ आप क्या करना होता है, ट्रायंगल में इंफॉर्मेशन मार्किंग कर दो। अगर तुमने डायग्राम में इंफॉर्मेशन ढंग से मार्क कर दी, फिर तुम्हारा आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा।
उसके बाद में डिपेंड करता है कि किसकी किसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अगर ट्रायंगल के अंदर एंगल तो यू विल ऑलवेज हैव टू यूज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अगर कोई एंगल तुम्हारा फॉर्म हो रहा है लाइन के ऊपर, देखो दो तरह के हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं लाइन, हम पढ़ते हैं एंड फिर उसके बाद में ट्रायंगल पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल सा। तो पहले लाइन में पढ़ते हैं, तो लाइन में जो एंगल होता है दैट इज लाइन के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे कितने भी एंगल बना लो सबका सब कितना होता है, ये हम लाइन पे पढ़ते हैं। एंगल की वैल्यू ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं एंगल की वैल्यू, अगर वैल्यू निकालनी है उसका अमाउंट कितना है, कितनी इसकी वैल्यू 30, 45, 60, 90, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है इसमें आपको वैल्यू निकालनी होती है तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। अभी तक हमने एंगल सम प्रॉपर्टी तो लाइन में पढ़ी, लीनियर पे इन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसको हम ऐसे ध्यान रखते हैं पूरा ऐसे बोला बता चाहिए, ठीक है? तो जो तुम्हारा डी होता है जिसको तुम यूज करके एंगल मार्क करते हो उसका शेप देखो तो ऐसे, ठीक है? तो जब तक ये पूरा ऐसे गोला नहीं बनेगा आधा सर्कल किसी भी पॉइंट पे, तो वहां पे लीनियर वेयर नहीं होता, पूरा बनना चाहिए। तो तुम भी जो भी एंगल पे लगा रहे हो कि वो 180 है तो ऐसे बना के देखो उस सारे एंगल को ऐसे जोड़ के देखो कि ऐसा डी बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है ऐसा तब तक हम 180 डिग्री किसी भी पॉइंट पे नहीं लगा सकते लीनियर वेयर की अगर हम बात करते हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो हम इस पॉइंट पे लगा सकते हैं लीनियर पे, तो इस पॉइंट पे कितने एंगल है, एक ही वाला एंगल और एक ही वाला एंगल, और इन तीन दोनों को जोड़ कर तो क्या बनेगा 180। देखो ये बन रहा है, पूरा बन रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं लगा सकते, इस पॉइंट पे छोटा एंगल और एक छोटा एंगल, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी आधा ही बनेगा, पूरा तो नहीं बन रहा, ऐसा तो नहीं बनेगा। तो इस तरह की शेप है, जब तक ऐसी शेप किसी भी पॉइंट में नहीं बनती, ध्यान रखना एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पे जो भी एंगल है, दो डिफरेंट पॉइंट के एंगल्स नहीं। कई बार हम ऐसे कर लेते हैं कि एक यहाँ एंगल दिया होता है, एक यहाँ दिया होता है, दिस प्लस दिस, ऐसा नहीं होता ना, ये दोनों अलग अलग पॉइंट पे है, दे आर एट डिफरेंट पॉइंट्स, एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए लाइन के ऊपर। सिंगल पॉइंट पे जो एंगल होता है उसमें अगर टोटल एंगल एक सिंगल लाइन पे बन रहा है तो 180 होता है। पहली प्रॉपर्टी होती है एंगल सम ऑन ए लाइन। ऊपर वाला तो वाली ऊपर वाला कौन सा, ये इस से और ये तो है ना, ये पूरा बन रहा है देखो, और सर इसके बाद इसमें फर्स्ट में तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं करी ना सर, एंगल अपोजिट इक्वल साइड सारी। देखो ये इसका एक्सटेंशन ही है, इसमें नोटिस करो ये इसमें छोटा ट्रायंगल था, फिर इसमें एक और ट्रायंगल इसमें ऐड कर दिया, यही ट्रायंगल है, इसको हमने एक्सटेंड किया है यहां, दिस इज द सेम ट्रायंगल, इसमें हमने एक और ट्रायंगल इसको एक्सटेंड किया क्योंकि ये इतना आइसोसेलेस यहां पे बना हुआ था, फिर हमने उसको यूं एक्सटेंड करके एक और ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। इसमें जो किया है वही हमने यहां पे किया है, हमने कुछ भी अलग नहीं किया, इसमें एक ही एंगल था क्योंकि इसमें एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो तुम एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स को इक्वल मार्क करोगे, अगर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो एंगल्स के ऊपर मार्क करोगे, लेकिन ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं है, ये हमें नहीं पता, दे आर नॉट इक्वल, इट इज नॉट गिवन टू अस क्योंकि हमें दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने इनको x माना और इनको y, बस इतना ही है और हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे भी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? यहाँ पे किया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, यहाँ पे भी वही किया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसमें हमने BCD में लगाया, इसमें हमने ABC में लगाया, इसमें एक ही ट्रायंगल था तो एक ही एंगल आया, इसमें दो ट्रायंगल है तो दो एंगल आ गए, एक x और एक y, फिर इवेंचुअली हमने सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 ही किया। इसमें इक्वेशन बन रही थी x + x = 90, यही आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है x + y + x + y = 90, उसमें x + y दो बार रिपीट हो रहा है, इसमें x दो बार रिपीट हो रहा है, इसमें 2x आ रहा है, उसमें आ रहा है 2 ऑफ x + y, उसमें x plus y 90 आ जाएगा, इसमें x 90 आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, हमने एक ही चीज अप्लाई करी है दोनों क्वेश्चन। अगर आप उस चीज को डायरेक्ट डायग्राम में बनाओगे और सिंपल चीज ध्यान रखोगे, एक लाइन के टोटल एंगल्स सम 180, एक ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स का सम 180, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका एंगल निकालना है बिना इसके आपका सॉल्व नहीं होगा अगर क्वेश्चन ट्रायंगल डायग्राम बन रहा है।